अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुफरान बिन याकूब कासमी। नाज़रीन, मस्जिद में रखी हुई प्लास्टिक की टोपी पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है और मस्जिद में ऐसी टोपी रखना कैसा है, इस बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या है। नाज़रीन, इससे मुतालिक बात करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल गुफरान बिन याकूब कासमी पर पहली मर्तबा आए हों तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, दारुल उलूम देवबंद का फतवा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें सवाल किया गया था, जैद का सवाल है, मस्जिद में प्लास्टिक की टोपी रखना कैसा है और इस टोपी से नमाज दुरुस्त है या नहीं, सही क्या है, लोगों ने एक रिवाज बना रखा है, कहाँ तक दुरुस्त है। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मस्जिदों में प्लास्टिक वगैरह की जो मैली कुचैली टोपियाँ रखी होती हैं उनमें नमाज पढ़ना अच्छा नहीं, मकरूह है। नमाज हो जाती है, लोगों को चाहिए कि उलमा और सुलहा जिस तरह की गोल या लंबी सर के साथ चिपकी हुई टोपियाँ पहनते हैं इस तरह की टोपियाँ पहनकर नमाज अदा करें। टोपियाँ अपने घरों से लेकर जाएं, मस्जिद में रखी हुई टोपियाँ इस्तेमाल ना करें, यह रिवाज काबिले तर्क है, बल्कि लोगों को चाहिए कि मस्जिद में इस तरह की टोपियाँ रखा ही ना करें। अल्लाह ताला आलम। दारुल इफ्ता, दारुल उलूम देवबंद।